दोस्तों, अभी तक आईफोन के लिए किडनी बेचने की बात पर मजाक ही बनता था, लेकिन चीन के एक लड़के ने मजाक में कही जाने वाली इस बात को हकीकत में कर डाला। उसने आईफोन खरीदने के लिए सच में अपनी एक किडनी बेच डाली। आईफोन खरीदने की सनक में वेंग सांगकू नाम के इस लड़के ने गैर कानूनी तरीके से सर्जरी करा के ब्लैक मार्केट में अपनी किडनी बेची। सर्जरी कराने के बाद उसे 2,70,000 रुपए मिले, जिसे उसने 2011 में आईफोन 4 और आईपैड 2 को खरीदा। आईफोन के लिए किडनी बेचने की बात पर उसे आज 9 साल बाद समझ आ रही है, क्योंकि अब वह जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से डायलिसिस पर निर्भर है। सांगकू को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनको ये कदम भविष्य में उन पर कितना भारी पड़ सकता है। एक किडनी बेचने के बाद उनकी दूसरी किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ गया था। बची हुई किडनी से खून सही से फिल्टर ना होने की समस्या के कारण वो आज अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।